Hello students, I am Shivam Arora from Shandu Tutor. So students, आज मैं आपके लिए NEET 2023 के NEET को crack करने के लिए plan discussion के लिए आया हूँ. 2023 का हमारा plan कैसा होना चाहिए? 2023 NEET exam. नीट एग्ज़ाम में हम लोगों ने क्या करना है. कई बच्चों ने इस बार 2022 के पेपर दिए होंगे, ठीक है, 17 जुलाई को था. सो कईयों का तो बहुत बढ़िया गया होगा, कईयों का तो ठीक ठाक गया होगा, कईयों का बहुत ही जो है बुरा भी गया होगा. तो जिनका अच्छा गया है उनको तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. जिनका एवरेज सा गया है वो मेहनत करें, और जिनका बिल्कुल ही डाउन गया है वो मेरी बातें सभी ध्यान से सुने, ठीक है. क्योंकि आज जो मैं आपको फिजिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ ना, क्योंकि जिस बच्चे से पूछो सर बायो लग जाता है, केमिस्ट्री लग जाता है, फिजिक्स के फार्मूले याद नहीं होते, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं लगते. अरे मेरे भाई, फिजिक्स के फार्मूले कैसे लगेंगे? फिजिक्स के फार्मूले, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे निकलेंगे? आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े? मार्क्स के पीछे भाग रहे हो यार, कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ो. कॉन्सेप्ट्स पढ़ो पहले, सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ो. सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना ही चाहिए आप लोगों को. मैक्सिमम बच्चा जो है बेसिकली एनसीईआरटी पकड़ लेता है, क्योंकि एनसीईआरटी हर टीचर रेफर करता है, हम भी रेफर करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. बहुत बढ़िया किताब है, वेरी वेरी गुड बुक बेसिकली, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू. बट इसका जो नॉलेज है ना बेटा, इस नॉलेज को गेन करने के लिए पहले आपको टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें बड़ा कंसाइंस दे रखा है. बहुत डीपली कंसेप्ट बट उसको कंसाइंस दे रखा है, बड़ा मतलब एक ही लाइन में कितने मीनिंग निकल जाते हैं, समझ गए? तो हर एक पॉइंट को डिटेल्ड में, एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. डिटेल में पढ़ने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? डिटेल में पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोग YouTube वीडियो देखो, ठीक है, YouTube वीडियो देखो. जो ऑफलाइन जा रहे हैं वो ऑफलाइन जाके लेक्चर सुनो, ऑनलाइन लेक्चर सुनो, सेल्फ स्टडी करो अलग अलग बुक से. जैसे कि हमारे पास थ्योरी के लिए काफ़ी सारी बुक्स आती हैं. क्वेश्चंस लगाने से पहले, इसको पकड़ने से पहले ना, इसको पकड़ने से पहले, इस बुक को पकड़ने से पहले, या एररलेस पकड़ने से पहले, या PVQ लगाने से पहले, सबसे पहले एक रेफरेंस बुक पकड़ लो. रेफरेंस बुक पकड़ो, और प्लस जो क्लास में नोट्स बना रखे हैं ना, नोट्स बना रहे हैं ना टीचर, वो आज नोट्स आपको बनवा रहे हैं, वो पकड़ो. और इन दोनों का मिक्सचर जो निकल के आएगा ना, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप करते, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप करेगा, समझ गए? अगर कॉन्फिडेंस लेवल यार आप लोगों का अप हो गया ना, तो फिर तो बात बनती जाती है, क्योंकि फिर आपके PYQ भी लगने शुरू हो जाएंगे, एररलेस की भी फिजिक्स हो जाएगी यार, और सारी DC पांडे वगैरह सारी बुक्स निकल जाएंगी. बट कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस लेवल लाना पड़ेगा ना. कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे लाया जाए? कॉन्फिडेंस लेवल के लिए आपको एक रेफरेंस बुक, और जो जिस भी YouTube चैनल को आप रेफर करते हैं, प्रेफर करते हैं, वहाँ से आप पढ़िए. और रेफरेंस बुक जो है ना, रेफरेंस बुक SL अरोड़ा का रेफरेंस बुक, बहुत बढ़िया बुक दे रखा है, बड़ा डिटेल में स्टडी दे रखा है, बड़ा अच्छा बुक है, बड़ा ही हर टॉपिक को इतना वास्ट खोल के बताया है, सारे फोल्ड निकाल दिए हैं और एक पूरा प्लेन पेपर बना दिया, पूरा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट है. मैं भी यही बुक रेफर करता हूँ अपने बच्चों के लिए,
भी YouTube में आपके होने से पहले SL अरोड़ा को पढ़ते हैं, उसमें से टॉपिक जो है निकालते हैं, उसके कंसेप्ट जो है आपको समझाते हैं, समझ गए, और फिर हम लोग NCERT पे आते हैं। क्योंकि आपका क्या बनाएगा ये SL अरोड़ा, क्या कर देगा SL अरोड़ा, आपका बेस बना देगा। बिल्डिंग बनानी हो तो पहले बेस मजबूत हो, तभी तो 10 मंजिला 15 मंजिला जो हम लोग है बिल्डिंग बना पाएंगे ना। अगर बेस कमजोर है ना बच्चे, बेस कमजोर है तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बड़े बंदे आपको मिलेंगे, बहुत बंदे मिलेंगे यार, इस बुक से पढ़ ले, एक बुक से पढ़ ले, इस बुक से पढ़ ले, फलानी बुक से पढ़ ले, इससे पढ़ ले, इससे पढ़ ले, इससे पढ़ ले, समझ गए यार। एक बुक पकड़ो, एक बुक पकड़ो, NCERT पकड़ना है, जरूर पकड़ना है, उसको मैं कभी भी डिनाई नहीं कर रहा, बट उससे पहले बेस बना लो यार, बेस बना लो। कोई रेफरेंस बुक पकड़ लो जो आपका टीचर रेफर करता है, मैं तो ऐसे रेफर करता हूँ, और क्लास में जो नोट्स बनवा रहा है ना टीचर, उसको सुनो, उसका जरूर पैटर्न फॉलो करो, जो वो बना रहा है, जो की पॉइंट्स लिखवा रहे हैं ना टीचर, जो की पॉइंट्स लिखवा रहे हैं उन पे फोकस करें यार, उन पे फोकस, की पॉइंट्स को पकड़ो, छोटे छोटे की पॉइंट्स को पकड़ो। जैसे कि मैंने गेट्स का वीडियो बनाया था, और मैंने बोला था अपनी वीडियो में कि हाँ यार ये PYQ इस तरह का एक आएगा, और आपने देखा कि डायरेक्ट आ गया था। 48 नंबर क्वेश्चन चेक करो, T3 कोड का लिख रहा हूँ, T3 का 48 नंबर क्वेश्चन चेक करो, डायरेक्टली गेट का, गेट से आ रखा, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। वो बेसिकली आप लोग PYQ लगाने से पहले बेस बनाओ। मेरा मेन मोटिव जो है ना यार, और एक बंदे के ऊपर यार ट्रस्ट करो प्लीज, आप लोग एक बंदे के ऊपर ट्रस्ट करो, आपको जिसके ऊपर दिल करता है, जिसको आपको लगता है ना कि हमारे पास ये बंदा सही है। एक कहावत भी होती है, समझ गए, समझ गए कौन सी कहावत होती है, गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। छानने का मतलब होता है साफ कर, गुरु बनाओ जान के, मतलब गुरु को पहचानो यार, कि हाँ यार यही बंदा है जो मुझे पार करवा सकता, यही बंदा है जो मुझे पार करवा सकता, यही बंदा है यार मुझे मिल गया, बस मैं इसके ऊपर ही इसी की बात सुनूंगा। क्योंकि एक बंदे की आप बात सुनोगे ना, तो क्या होगा कि आपका जो माइंडसेट होगा ना, माइंडसेट, एक माइंडसेट हो जाता है कि हाँ यार इसी का बात सुनना है, और आपका नीड क्रैक भी हो जाएगा यार। देख लियो आप, 600 प्लस का टारगेट है, अचीव होगा, बेसिकली वो अचीव होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ अचीव होगा। बट द थिंग इज दैट आप लोग अपने टीचर के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस रखते हो, इसमें टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट, टीचर के ऊपर ट्रस्ट करना सीखो यार। ये क्वेश्चन निकाला, कई बार ही होता है आप किसी टीचर के पास कोई क्वेश्चन लेके जाते हैं, कोई टॉपिक कोई चल रहा है, क्वेश्चन आपको ही लेंगे, तो क्या करना चाहते हो उस टाइम, जो टॉपिक चल रहा है उसके क्वेश्चन निकालो ना, जो टॉपिक चल रहा है उसके क्वेश्चन निकालो। अब टीचर को मतलब क्या प्रूफ क्या करना चाहते हो यार, ऐसा नहीं, टीचर के ऊपर ट्रस्ट करो, हाँ यार निकल यही मेरा नीट निकलवाएगा, मैं अपनी बात नहीं करता, आपका मर्जी है, आपका मर्जी है कि आप किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, पर जिसके ऊपर करो तो ब्लाइंड फेथ करो, हाँ यार यही मुझे एक साल में ऐसा पढ़ाएगा कि जो मेरे नाम के आगे क्या लगवा दे, डॉक्टर लगवा दे, टी कैपिटल डी स्मॉल आर, दैट इज नॉन एज डॉक्टर, नॉन एज डॉक्टर, जिसके लिए इस बार 18 लाख बंदों में भीड़ पड़ी हुई थी, भागम भाग पड़ी हुई थी, कंपटीशन था, इस कंपटीशन का जमाना है यार, उसका निकल गया, मेरा रह गया, इसका निकल गया, उसका रह गया, निकल गया तो क्या हो गया, तुमने उतनी जितनी मेहनत करी, पहले देखो उसने जितनी मेहनत करी, क्या तुमने उतनी मेहनत करी, क्या तुमने रातें जागी, क्या तुमने अपनी पूरी कॉन्सेंट्रेशन दी स्टडी को, क्या तुमने विदाउट कंप्लीशन अप सोए,
वो बंदा नहीं सोया होगा, वो अपना काम पूरा करके सोया होगा, चाहे सुबह के 5 बजे, चाहे 6 बजे, चाहे 7 बजे। बेटा तपना पड़ता है, तपना पड़ता है। अगर सूरज की तरह से चमकना है ना, तो उसकी तरह से चमकना पड़ेगा। की तरह से क्या करना पड़ेगा? चमकना पड़ेगा, चमकना पड़ेगा यार। क्योंकि तपो, उसके ऊपर तपो, मतलब अपनी मेहनत के विद रिस्पेक्ट टू, इतना मेहनत करो कि आपको इतना ज्यादा सब्जेक्ट आ जाए, इतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए कि नीट का जो मर्जी क्वेश्चन आ निकल जाए, देखते सारी आ जाए। तो किया वो कहाँ से करेगा यार? हमेशा सबसे पहले मैं फिर बोल रहा हूँ, बेस बनाओ, बेस। जिस दिन मेरे बच्चे आपका बेस बन गया ना, जिस दिन आपका बेस बन गया, तो किसी बच्चे का कमेंट ये नहीं होगा कि कंसेप्ट नहीं आता था, न्यूमेरिकल नहीं निकला, या न्यूमेरिकल नहीं आता था, कोई फिक्सिंग कुछ प्रॉब्लम आ गया। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, वो प्रॉब्लम जनरेट करने वाले आप हो, क्योंकि आप सही ढंग से नहीं पढ़ते हो, आपके पास प्लान नहीं है कोई। अगर जिस बंदे के पास प्लान नहीं है यार, उसको क्या पता कि उसने जिंदगी में क्या करना, समझ गए? अब मुझे है, मेरा मैं था तो मुझे पता है कि भाई मैंने आज आपको ये चीजें बतानी है, तो मैंने प्लान करा ना उसके बारे में, मैंने उसके बारे में प्लान करा, मैंने स्टूडेंट की साइकोलॉजी के बारे में थिंक किया, आपके लिए मेहनत करा। ये कोई एहसान नहीं कर रहा मैं आपके ऊपर यार, मेरा फर्ज है, मेरा फर्ज है। क्योंकि हम बच्चों से, हम बच्चों से, तुम लोग तो यार ट्रस्ट करो, मैं आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करता हूँ, समझ गए? जितने भी बच्चे मुझे सुनेंगे मैं उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट करता हूँ, बट आप टीचर्स के ऊपर यार ट्रस्ट करो। मैं बात कर रहा था बेस के बारे में, बेस, बेस पक्का करना तो भाई बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो आपका ऑफलाइन टीचर करवा सकता है, ऑनलाइन से आप कर सकते हो, अगर आपको सब कुछ आता है, जो ड्रॉपर है, सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, समझिए। कई बीच में ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने चौथी बार पांचवी बार पेपर दिया होगा, इतना मोटा फीस नहीं दे सकते, 1.5 लाख 2 लाख ऑफलाइन का ट्यूशन होता है, ऑनलाइन में थोड़ा कम होगा। तो सेल्फ स्टडी करो, ऑनलाइन में फ्री लेक्चर्स इतने मिलते हैं, यूट्यूब पे लगे रहो, लगे रहो। जब आप एक चीज के ऊपर फोकस करते हो ना, पूरी कायनात बेटा उसके ऊपर फोकस करती है, आपको वो चीज दिलवाने में। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सीरियसली बोल, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरे बच्चे। किसी भी चीज में ये कभी मत सोचना कि ये चीज मेरे से नहीं होगी, ये क्वेश्चन नहीं लग रहा। जिनका हुआ है ना, उन्होंने ये कभी उनके लफ से, मुंह से नहीं आपने सुना मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यार? दो हाथ दिए हैं, दो आंखें दी हैं, दो कान दिए हैं, प्रॉपर आपका बॉडी स्ट्रक्चर ठीक है, तो क्यों नहीं? वाई सो? कौन सा ऐसा दुनिया का क्वेश्चन है जो जिसका आंसर नहीं बना यार? वो बंदे ही निकालते हैं ना यार। तो हमेशा याद रखो कि बेस पक्का करो, बेस पक्का करो, और ऑफलाइन, ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी के विद रिस्पेक्ट टू आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। सेल्फ स्टडी में अगर आप यूट्यूब देख सकते हो, यूट्यूब के लेक्चर्स देख सकते हो, सब कुछ फ्री में मिलता है यूट्यूब के वीडियोस देखो। ऑनलाइन में कई बैचेस चल रहे हैं, कई बैचेस जो हैं वो लोग चला रहे हैं। ऑफलाइन ट्यूशन बहुत ज़्यादा है, हर सिटी में अपने अपने कोई प्रसिद्ध टीचर्स होते हैं, आपको पता है, आपको भी ज़्यादा, तू अपने शहर का ज़्यादा पता होगा, मुझे अपने शहर का पता है, समझ गए? सो बेसिक बेटा बेस बना लीजिए, एसएल अरोड़ा या कोई रेफरेंस बुक पकड़ी, ठीक है, कोई रेफरेंस बुक पकड़ी। उसके बाद जब आपने एसएल अरोड़ा कर लिया ना, जब आपने एसएल अरोड़ा कर लिया, पूरा उसका पढ़ लिया, थियरी अच्छी तरह से पढ़ लिया, फिर आप आओ डीसी पांडे के ऊपर, ठीक है, फिर लगाओ एरर लेस के क्वेश्चन, फिर लगाओ पी वाई क्यू, फिर लगाओ पी वाई क्यू, क्या लगाओ? पी वाई क्यू लगाओ। अब
पी वाई क्यू लगने का मेन मतलब कहाँ से जनरेट होगा? जब आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस लाने के लिए एसएल रोडा सबसे बढ़िया किताब है, उसको पढ़ना। और जो क्लास में नोट्स बनाए जा रहे हैं ना, जो क्लास में नोट्स बनाए जा रहे हैं उसको जरूर करो, चाहे वो ऑफलाइन कर रहे हो चाहे वो ऑनलाइन कर रहे हो, वो आपके ऊपर। ऑनलाइन में बहुत कुछ मिलता है इसके साथ, ठीक है। उसके बाद अपना एक टाइम टेबल बनाओ, अपना एक टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल कभी भी कोई आपको बना के देगा, मैं बना के दूंगा टाइम टेबल तो आप वो फॉलो ही नहीं कर पाओगे। टाइम टेबल अंदर से आता है, अंदर से आती फीलिंग आती है, हाँ भाई मैंने ये चीज करनी है। वो सपने ही क्या जो आपको नींद में आ रहे हैं? सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देंगे। रात को भी दिमाग में वही चीज चल रही है यार, नीट 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 वाइट कोट डाला हुआ है, इतना अच्छा फीलिंग आता है। टाइम टेबल अपना बनाइए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें, वो करना पड़ेगा। क्योंकि जिन्होंने तो पेपर निकाला है तो उनको बेटा वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं ना कर रहे, अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे तो नीट नहीं निकलेगा, जितना मर्जी वीडियो सुनो। टाइम टेबल, टाइम दो, डिवोट करो टाइम को, सन्यासी बन जाओ, ऐसा सन्यासी बन जाओ कि हाँ यार बस मेरे जिंदगी में सिर्फ अभी किताबें हैं, पूरा सा समझ गए। अब तीसरी चीज में क्या है, अब तीसरी चीज क्या आएगी इसमें, अब तीसरी चीज इसमें क्या आएगी, सबसे जो महत्व चीज है इसमें, इसमें महत्व चीज है कि अपने जो पढ़ रहे हो, जो अपना पढ़ रहे हो उसको गोपनीय रखो, कुछ सीक्रेट्स रखो अपने, कुछ सीक्रेट्स रखो अपने। हाँ किसी को जो आपका जरूरत है उसको जरूर बताइए, पर कुछ सीक्रेट रखो साथ में, सीक्रेट रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेहनत इतनी शांति से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। AIR 1 पोस्ट करो यार, अपने बेड के जैसे आप उठते हो जिस चीज के ऊपर सबसे पहला ध्यान पड़ता ना वहां पर एक लगा लो, AIR 1। क्या लगा लो? AIR 1 सपोज करो यार, AIR 1 इस बंदे का आता होगा यार, लिंक इतनी आती होगी है। सोचो इस बारे में। अब फंडो ट्यूटर आपके लिए क्या कर रहा है, फंडू ट्यूटर आपके लिए क्या कर रहा है, शिवम अरोड़ा आपके लिए फिजिक्स के लिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है शिवम अरोड़ा फंडू ट्यूटर के विद रिस्पेक्ट। इसमें हम लोग आपको लाइव क्लासेस देंगे, लाइव आएंगे रोज, शिवम अरोड़ा रोज लाइव आएगा आपके। उसमें +1 and +2 का टोटल सिलेबस जो है वो कवर किया जाएगा विद PYQs, जिसके वीडियो लेक्चर्स प्रॉपर आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पर रिकॉर्डेड हो जाते हैं, आपको जब मर्जी देख सकते हो आप लोग। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग लाइव क्लासेस तो बिल्कुल फ्री रहती हैं यूट्यूब के ऊपर, तो जो बच्चे लाइव क्लासेस यूट्यूब पे देखना चाहते हैं वो देखो। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर लाइव में हमारे पास 500-700 बच्चा हो सकता है, तो हमारा सर डाउट रह जाता है, क्योंकि मैं भी बेटा स्क्रीन तो सामने लगी होगी बट इतने बच्चों के इकट्ठे डाउट एक क्लास में सॉल्व होना नामुमकिन, कोई टीचर इसको सॉल्व नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। तो अगर किसी बच्चे को इंडिविजुअल लेक्चर चाहिए, हाँ भाई सर मैंने आपके बैच ज्वाइन करना, आपसे इंडिविजुअल पढ़ना है, तो हम लोग वो भी आपके लिए कर रहे हैं। 25th जुलाई से हम लोग चाणक्या बैच लेके आ रहे हैं, और चाणक्या बैच मैंने इसलिए चुना, चाणक्या नाम मैंने इसलिए इस बैच का रखा कि हमारे पास जो चाणक्या जी थे उनकी नीतियां बड़ी जबरदस्त थी, मैं उनका फैन था,
जो उन वो अपनी प्लानिंग हमेशा गोपनीय रखते थे और एंड में धमाका मचाते थे। हम भी ऐसा ही करेंगे, हर एक चीज को आपको इतना डिटेल्ड में पढ़ाएंगे, इतना डिटेल में पढ़ाएंगे, जब नीट का AIR लगेगा तो हमारे चैनल के विद रिस्पेक्ट लगेगा, इतना हम लोग चैलेंज करें। वो आपकी मेहनत होगी, कुछ हमारी मेहनत होगी, और दोनों की मेहनत मिलके AIR लेके आएंगे। पहले 100 बच्चों में आएंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, हो सकता है हमारे ही 100 निकले। कोशिश करें, क्या हुआ? कोशिश करने में क्या, कोशिश करने में क्या, समझ गए ना? बैठे रहने वालों को उतना ही मिल जाता है जो कोशिश करने वाले जितना छोड़ देते हैं। कोशिश करते रहो, करते रहो, करते रहो। मैं आपको हर रोज DPPs दूंगा, 20 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड की जाएंगी। आपको 20 क्वेश्चन की हर सैटरडे, एवरी सैटरडे आपको असाइनमेंट दी जाएगी। उसके वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, या कुछ आपको DPPs का जो है हल्का सा नज़ारा जो है वो दिखा देता हूँ। ये है हमारा, ये है DPP, सारा प्रिंटेड नोट, टोटली प्रिंटेड, टोटली प्रिंटेड नोट। ये भी आपको लाइव क्लासेस में भी करवाया जाएगा, आपको असाइनमेंट भी करवाया जाएगा, सारा कुछ करवाया जाएगा। तो जिन बच्चों ने इंडिविजुअल पढ़ना है उनके लिए कोई सोचने वाला बात नहीं है, इनरोल करो जल्दी से जल्दी, इनरोल करो। डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक लिंक मिल जाएगा, साइट पे जाके आप इंक्वायरी डालो और आपको फोन आ जाएगा और आप वहाँ पर इनरोल करो। मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, किंजल मैम आप उनको जानते ही हो, किंजल मैम आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। और हम लोगों ने आपके लिए बच्चों बहुत मेहनत करके रखी है, बहुत मेहनत करी है आपको, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। तो उस मेहनत को हम लोगों ने सफल भी करना है, आपके विद रिस्पेक्ट, आपके विद रिस्पेक्ट। और क्वेश्चंस लगा लगा के, टॉपिक करा करा के, कंसेप्ट क्लियर करा करा के, सबसे पहले बेस बनाना है, बेस। पीवी क्या हो तो लग, PYQ तो लगाएंगे, एररलेस के क्वेश्चंस लगा लेंगे, DC पांडे लगा लेंगे, MTG लगा लेंगे, प्रदीप हम लोग फिर क्वेश्चंस लगा लेंगे, क्या लगाएंगे। बट सबसे पहले बेस बनाया जाएगा, बेसिक से शुरू किया जाएगा, बेसिक से शुरू करेंगे। सो बच्चों, हम लोग अब रेगुलरली 25 जुलाई से हमारा बैच शुरू हो रहा है और हम लोग बहुत जल्द YouTube के ऊपर भी लाइव आके आपको फ्री क्लासेस भी देने वाले हैं। सो आप लोग जरूर पढ़िएगा, और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप काइंडली कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, जय जवान जय हिंद।